वेलकम मारुति में कल के दिन एक शार्प ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी है। ठीक है, आप अगर इसे वन डे के चार्ट पर देखें तो यहाँ पर लोअर एंड में यहाँ विक्स दिख रही है आपको, लेकिन ये एक स्मॉल रेंज के लोअर एंड में हम लोग, और यहाँ से इस लेवल से जो ऑर्डर्स हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं। चांसेस आर वेरी हाई कि कल सेम लेवल पे अगर मार्केट खुलता है तो एक शार्प ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग है सो देखना कौन सा लेवल है। ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये वाला सपोर्ट एरिया 12275, इसके ऊपर अगर मार्केट होल्ड है और अगर बाइंग है तो शार्प ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट अपवर्ड के टारगेट। क्या इसमें वीकनेस है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी रीजन से गैप डाउन खुलता है तो ही मार्केट में वीकनेस है, इल्स इस लेवल से एक शार्प ब्रेकआउट हमें कल के दिन देखने को मिलेगा। राइट, ये सारे जो चीजें हैं, क्यों यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, आप इसके पीछे देखिए, हम लोग उसी डिमांड जोन में हैं जहां से एक मूवमेंट आई थी। ठीक है, तो इसी एरिया से रिएक्शन के चांसेस हाई हैं। आज सेलर्स ने काफ़ी कोशिश की इस लो को नीचे सस्टेन करने के, लेकिन बायर्स वापस आ गए, इसलिए यहाँ से कल अच्छे से मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, कंसेप्चुअल नॉलेज प्राइस एक्शन की अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक और चैनल का, उसे आप ज़रूर देखिए।